हे गाइस, वेलकम बैक टू सेज वेट। सो बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं अभी भी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और आज हम लोग एक कवर करने वाले हैं माइक वेरन का 45 मिनट्स का इंटरव्यू, जिसमें काफ़ी कुछ रिवील करा है उन्होंने क्रिकेट 22 के बारे में। ये इंटरव्यू जीजे वीवर ने लिया था माइक वेरन का। सो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्टीमेट टीम के साथ। सो अल्टीमेट टीम प्योरली ऑनलाइन फंक्शन है और इसमें क्रॉस प्ले इनेबल्ड नहीं है। हालांकि माइक मेरन ने कहा था कि वो लोग प्लान कर रहे हैं इसे फ्यूचर में क्रॉस प्ले करने का, और इसके लिए वो लोग सोनी और माइक्रोसॉफ्ट से बात भी कर रहे हैं। और इसमें कोई माइक्रो ट्रांजैक्शंस नहीं है फीफा की तरह, क्योंकि उन्हें लगता है कि काफ़ी अनएथिकल है कि अपने फैंस और अपने यूज़र बेस से पैसे लेना किसी इन गेम कंटेंट के लिए, जिसके लिए वो लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं। और इसमें सिर्फ एक डाउनसाइड जो मुझे लगा कि इसमें सिर्फ ऑनलाइन जब हम खेलेंगे तो उसमें सिर्फ लाइसेंस प्लेयर ही इंक्लूड होंगे, जो कि पहले मुझे थोड़ा ऑब्वियस लग रहा था, बट अभी इन्होंने क्लियर कर दिया है। सो इसकी वजह से इसका जो रोस्टर थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ लाइसेंस प्लेयर इंक्लूड होंगे। ऑल्दो इस पर न्यूजीलैंड और आयरलैंड इंक्लूडेड है, बट उससे खासा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक भी एशियन टीम लाइसेंस नहीं है अभी। और लाइसेंसिंग से ही बात करते हुए तो लाइसेंसिंग वाले ही टॉपिक पर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो माइक मेरन ने रिवील करा कि इस बार रशिया भी होगी, ऑल्दो उससे भी हमें कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता। सो अब हमारे पास न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये सारी टीम्स हैं। और इसकी लाइसेंसिंग के ऊपर बिग एंड स्टूडियोज़ हमेशा काम करती रहती है और अभी भी करती रहेगी। प्लस निकॉन के टेक ओवर के बाद से उन्हें थोड़ा हेल्प भी हुआ है फाइनेंशियली। और माइक मेरन ने डिस्क्राइब कराया एक बार खुद भी कि जो लाइसेंसिंग का इशू है, ऑल्दो वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल है, बट एक और जो चीज़ उन्होंने रिवील करी कि बहुत सारे छोटे नॉन टेस्ट क्रिकेटिंग नेशंस जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है लाइसेंसिंग में, जिसकी वजह से आई गेस हमें जो छोटे नेशंस हैं जैसे कि जिम्बाब्वे वगैरह, उनका हमें अभी तक कोई लाइसेंस टीम देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा जो बड़े बोर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगते हैं, जो कि कॉस्ट जस्टिफाई नहीं करता। फिर अब अगर इंडिया और पाकिस्तान को इंक्लूड कर भी रहे लोग गेम में, तो भी लोग एक्स्ट्रा कॉपीज़ तो खरीदेंगे नहीं गेम की, ताकि उनका कॉस्ट मेंटेन हो जाए। एक्स्ट्रा कॉपीज़ का लोग ओरिजिनल कॉपीज ही खरीदेंगे, वो पायरेटेड गेम खरीद लेते हैं। सो पैसा नहीं होगा उनके पास, तो राइट्स वगैरह ले नहीं पाएंगे। सो ये इशू हमेशा बरकरार रहेगा आई गेस, क्योंकि पायरेसी तो रुकनी नहीं है इस देश में। इसके अलावा बात करते हैं हम एनिमेशंस की। 10 नए एनिमेशंस ऐड हुए हैं बॉलिंग में, जिसमें से माइक मेरन के अकॉर्डिंग 8 पेस और 2 स्पिन के एनिमेशंस हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये सारे लाइसेंस प्लेयर के नहीं हैं। तो आई गेस ये हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह का इन्होंने एक्शन इंक्लूड करा हो। और इसके अलावा बैटिंग एनिमेशंस की अगर बात करें तो इसमें कट शॉट्स को इन्होंने इम्प्रूव करा है, बहुत सारे T20 शॉट्स इंक्लूड करें, और एक ग्रिड सिस्टम बनाया जिसमें अगर आपने जिस तरीके का आपने इनपुट डाला और जिस तरफ बॉल आ रही है उसके हिसाब से शॉट्स जाएंगे। और एनिमेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, और एक दो शॉट्स जो हैं वो प्लेयर के स्पेसिफिक शॉट्स जो हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। सो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा DLCs के बारे में पूछा गया, तो DLC के बारे में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं कि कुछ DLC अभी प्लान्ड है या नहीं है। ऑल्दो ये बोलते हैं कि हर हमेशा कम्युनिटी की सुनते हैं, सो अगर आगे चल के कुछ होता है ऐसा इम्प्रूवमेंट और DLC के लिए अगर उनके पास कुछ रहता है तो वो ज़रूर DLC इंक्लूड करना चाहेंगे। सो गाइस, इस इंटरव्यू में भी माइक मेरन ने कुछ चीज़ें बताई करियर मोड के बारे में। इन्होंने बताया कि मैनेजर जो है वो आपको ट्रेनिंग देगा, या फिर जो कोच आपका ट्रेनिंग देगा आपके वीकनेसेस के हिसाब पे। जैसे आपने पिछले मैच में अगर आप पेस बॉलिंग अगेंस्ट आउट होते हो, तो आपको अगले ट्रेनिंग सेशन में वो पेस बॉलिंग पे फोकस किया जाएगा। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप जो होने वाली है, वो सारे जो स्पॉन्सर्स होंगे वो एक्चुअली फेक होने वाले हैं, क्योंकि कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अगर हो सकता है स्पॉन्सर्स नाराज़ हो जाएं अगर उन्हें लगे कि हमारे स्पॉन्सर को सही से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो इसकी वजह से स्पॉन्सर्स जो होंगे वो सारे के सारे फेक स्पॉन्सर्स होंगे। और जो इस बार ऑफिशियल बैट के स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने रिवील करे हैं, वो हैं कुकुबुरा, न्यू बैलेंस, ग्रे निकोलस, GM और DSC। इन सब चीज़ों के अलावा जो उन्होंने बताया उसमें उन्होंने वेदर के बारे में कुछ डिटेल्स दी हैं, और रैंकिंग्स के बारे में पूछा गया था, लेकिन उन्होंने रैंकिंग के बारे में कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं, डिस्क्लोज़ नहीं करा। और वेदर के बारे में उन्होंने बताया कि एक पूरा फुल साइकिल चलेगा वेदर का, और इसमें उसके वेदर के ऊपर और ह्यूमिडिटी और वेटनेस फैक्टर के ऊपर आउटफील्ड और पिच डिग्रेडेशन पे फोकस किया जाएगा। उस हिसाब से पिच जो है वो डिग्रेड होगी, वेटनेस फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा एकेडमी के बारे में उन्होंने डिस्क्लोज करा कि एकेडमी इस बार 2 तरीके से डिवाइडेड है, एक इजी और एक एडवांस्ड। तो एडवांस्ड में अभी करंटली हम स्लाइडर्स देखते हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे, और जो इजी होगा वो बहुत एकदम बेसिक प्लेयर क्रिएटर होगा,
क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा स्लाइडर्स वाला फंक्शन है वो सबके लिए नहीं है, वो बस जो प्ले फेस जो क्रिएट करते हैं उन लोगों के लिए सही है, बाकी कुछ जो नए यूज़र्स हैं उनके लिए ईजियर वर्जन बेटर होगा ऑब्वियसली, तो ईजियर वर्जन को इन्होंने इस बार इंक्लूड करा है। और फ्यूचर क्रिकेट गेम्स के बारे में बात करी गई थी तो उसमें माइक ब्रायन ने कहा कि हमेशा हमारा फोकस रहेगा ई स्पोर्ट्स पे ऑनलाइन में, और ऑफलाइन वर्जन में हम करियर मोड को ज़्यादा ग्रो करना चाहेंगे। इसके अलावा ओवरऑल एनिमेशंस और गेम प्ले पे ध्यान तो दिया ही जाएगा, इसके अलावा मोशन कैप्चर जो कि लास्ट टाइम हमने मैक्सवेल का देखा था, ग्लेन मैक्सवेल का, तो उन्होंने कहा कि वो हर एक प्लेयर का मोशन कैप्चर इंक्लूड करना चाहेंगे और फिर उसे गेम में डालना चाहेंगे, और कॉमेंट्री पर ध्यान देना चाहेंगे, और भी लैंग्वेज में कॉमेंट्री इंक्लूड होनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें इनके ध्यान में हैं, सो ये सब चीज़ें वो करने वाले हैं ऑब्वियसली अगले क्रिकेट गेम्स में। और अभी तक उन्होंने बताया कि अभी तक की बेस्ट कमेंट्री टीम उनके पास है इस वाले गेम में, अभी तक जितने भी बिग एंड स्टूडियोज़ के गेम्स आए हैं। सो कमेंट्री एक चीज़ होगी जो हमें देखने लायक होगी, सो देखते हैं। और इतनी न्यूज़ थी गाइज, ये पूरी समरी थी उस पूरे इंटरव्यू की 45 मिनट्स के। और सब्सक्राइब कर दो गाइज अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो, और लाइक दिस वीडियो इफ यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू।